कभी घर से बाहर निकले ना ये तो बाल खुले नहीं रखना चाहिए। हाँ ये तो सही कह रहे हो। पता क्यों? हाँ हवा लग जाती है। अच्छा पता नहीं कौन सी हवा किसके बालों पे मोहित हो जाए। नहीं सही बात है, आजकल ये ज्यादा चल रहा है। मैं ना अभी मैं भी तो इसमें मुझे भी दिक्कत हो गई थी अभी 6-7 महीने पहले। हाँ मुझे भी लग गई थी बाल की हवा। नहीं दीदी हो जाता है, पता क्या हवा रहती है अपन मानते नहीं लेकिन रहती है। तो पता मुझे मैं एक जगह देखने आया था तो उन्होंने बोला था कि चलते चलते मैंने ना किसी ने मेरे पैर के नीचे की धूरा और सर के बाल ले लिए थे। उसके बाद उसने प्रयोग किया हुआ तो 5 लोग थे उसमें से। वही तो 5 लोग थे उसमें से 2 तो ऐसे मतलब 15-16 साल के बच्चे थे। हाँ। वो किसी बुलर एक्सीडेंट में खत्म हुए होंगे। हाँ। और 2 वो थी जिनको बेड़निया बोलते जो करीला। हाँ, 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 हाँ। 2 वो थी और 1 मुसलमान चचा थे। ओहो वो बेड़निया ना वो अच्छा छोड़ दिया था वो मुसलमान चचा ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। मुझे वो तो इतना डेंजर था ना भाई साहब। होशंगाबाद नर्मदा जी में ना के आ गई थी तो भी नहीं छोड़ा था। नहीं छोड़ते ना वो तो फिर वो उनकी। और पता 2 बजे रात को मुझे कानों में ना सुनाई देता था जैसे वो नमाज पढ़ रहा हो। अरे 2 बजे रात को मुझे कानों में कोई वो पता वो होंगे मुसलमान होंगे ना वो तो इस चक्कर में वही वही मुझे ना कान में 2 बजे रात को ना नमाज सुनाई देती थी। अब वो तो सुनाई देती थी कि कभी कभी तो मुझे इतना काबू में कर लेते थे ना वो उनके साथ 2 बजे रात को उठ के मैं नमाज पढ़ने लग जाता। कितना काम कर लेते हैं यहाँ पूरा कंट्रोल संभाल लेते हैं शरीर का। अच्छा बिस्तर पे से उतर के नीचे उतर के मैं भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगा। और नमाज पढ़ लगी। अच्छा यानी कि मुझे मतलब महसूस सब होता था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है बस मैं अपने आप में नहीं रहती थी। लेकिन अपन अपने अपन सोचो ना कि अपन ऐसा कर ले वो हो नहीं पाता। और पता वो चचा ने तो फिर ये भी बोला था एक पंडित जी से चढ़वाया था तो उन्होंने बोला था कि अगर इनकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो हम ले जाते पर मजबूरी हमारी यहाँ फंस गई कि पहली बात तो ये पैसे से एक किन्नर है। हाँ। दूसरी बात ये काली माता और खाटू श्याम जी की पूजा करती है तो इसके ऊपर हमारा जोर नहीं चल पा रहा। ये पूजन पाठ भी करते हो आप और चाहते इंसान को तो ले जाते हैं ये लोग ले जाते होंगे। और पता मेरा पूरा शरीर ना ऐसा हो गया था यहाँ पे लॉन्च रखा था यहाँ लॉन्च रखा था यहाँ लॉन्च रखा था यहाँ लॉन्च रखा था और जब मुझे वो नाखून से लोचते थे ना। हाँ। मुझे महसूस होता था। ओ बाद में निशान दिखते होंगे बस वो दिखते थे वो तो ठीक ठाक है जब निशान बनते थे ना मुझे वो दर्द का एहसास होता था मैं मुझे महसूस हो जाता था कि मुझे निशान बन रहा है या पीठ पर बनता था तो मुझे महसूस होता था कि यहाँ निशान बन रहा है। जे इनको जे चीजें ऐसे समझती हैं कुछ नहीं होता है। पहले नहीं मानती थी मैं लेकिन भैया जब जिस पे बीतती है ना पहली बात तो क्या मैं इत्र लगाती थी इत्र लगाना छोड़ दिया मैंने। वो उसी से तो जल्दी हुआ है क्या इत्र लगाती थी ना मैं। और आप ऐसे सुंदर इतने हो सुंदर भी है ना क्या चीज हर चीज देखते हैं ना कि वो पहले मैं इतनी खतरनाक इत्र लगाती थी अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती ना तो आप ये कहती दीदी आप कितना चल रही आप कितना भी कंट्रोल करते हैं वहाँ तक मेरे पीछे पीछे लग जाते हैं। अच्छा कितना खतरनाक इत्र लगाती थी वही मैं कह रही हूँ ऊपर से सुंदर हो तो वहाँ से लेके आई थी कहाँ से खाटू श्याम से लेके आई। अच्छा वो भी चंदन फ्लेवर वाली लेके आई थी इतनी अच्छी कि उसकी खुशबू से कोई भी मोहित हो जाता है। वो तो वही तो कह रहे हैं।